माजी माजी बाकु आसीची गुरुदेव जेतले क्रोधानित होई जायछंती राम ठाकुरंगर कथा को ग्रहण करुना हांती मर्दनाबंत पुरुष रामचंद्र कहिले गुरुदेव अच्छा कोन उची आपण काहे केते क्रोधानित होछंती तते सब बोले हे राम मु तुम गोटे कथा कहिबा पई आसीची हां ता पूर्वरु हां ए कथा सुनिया पूर्वरु सत्य करो तुमको सत्य करबा को पड़ी सत्य करो रामचंद्र को जेतले सत्य करै दिछंती राम ठाकुर सत्य करछंती अच्छा ना सत्य जे हे याळो ये जे अनाळो ग्रह राज तपन राज तपन हे मनाजा ग्रह राज तपन रे सत्य रे वाचो के करे छे ए घर सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूची गुरुदेव आपण जहा कहिबे आपण कथा को मु अक्षर अक्षरे पालन करीबी कोन कहूची रामो ना जेबे कल सत्य तुम्हे आहे राघो वीरा सत दिने दिया से अंगद सेन वीरा गुरुदेव कौन मो पुत्र आज अपराध कर ना मोर पालित तो कन्या अग्निकनिका को बलपूर्वक अपहरण कर अंगद सेन तेणु तार सात दिन मध्य तार कटा मस्तक मो पाद तले पड़ा उचित रामचंद्र सत्य द्रोह हो जाय छथि अच्छा मर्दनाबंत पुरुष रघुनाथ ठाकुर नयनरु दार दार असुर रो साबणी छुटी पड़ी छि हेला हेला कांदुचंदी प्रभु मोर शपत कराई महर्षि राजा ए देवी दाय करी राम ठाकुरा जाए वो दिले शपथ कराई ऋषि विश्वामित्र माल जेते बेले विदाय नहीं जाई छंती सत्य दृढ़ हो गले मर्दनाबंत पुरुष राम ठाकुर बसिकी नयन रु असुर श्रावणी छुटी गला परे ना लक्ष्मण जे धीरे धीरे करिले गमन नतमस्तक अवस्था रे दंडे माने होई जाई चंकी आपण को मबदन सुखी जाई छी आपण को नयन रु लतकर धार धार लुवा सब बही पडू छी आज मर्यादावंत रामचंद्र उठी पड़िले हेला बोले ए लक्ष्मण हां कोन कहबी से कथा कथा
लक्ष्मण हाँ हाँ नकी कही भी हाँ हाँ लक्ष्मण कही रखो क्या मातो भ्राता श्री राम की कही भी लक्ष्मण कटा मस्तक सात दिन मध्य गुरु पाद तले आज अर्पण कर गुरु पालित कन्या अग्नि कनिका को अपहरण कर तेणु गुरु सत्य कर सात दिन मध्य तार चिन्ह मस्तक नहीं पाद तेल अर्पण करणसी पिता माता निजर सतान मस्तक छेदन करे ना ए लक्ष्मण मुझे पारिनी मु गुरु सत्याबद्ध हेले मुझे पारिनी नरघो कूल रे सदा चली आई प्राण जाए जाए कि बचन न जाए प्राण चली जाए कि बचन चली जाए ना कि सदा सर्वदा लग रही रघुकूल रीति सदा सर्वदा सत्य असत्य पथर से जापे ना तेणु सत्य सन्ध पुरुष मर्यादावंत पुरुष राघवेन्द्र सरकार राम ठाकुर सत्य कर राम लक्ष्मण दुहिं मधे कथोप कथन चली आज्ञा लक्ष्मण कहले कह भाई ना तुम्हें हूँ जड़े राजा ना राजार हृदय पर भेदभाव न थाए तेणु तुम्हें जड़े राजा तेणु
जेत सत्य करी छा ये अंग दर्शन रे कटा मस्तक नहीं इला सात दिन मध्य रे गुरु को पाद तले तुमे अर्पण करियो दुई भाई को मध्य रे एबोली कथा कथन चल छाई अंग दर्शन अग्नि कनिका प्रत्यावर्तन करुछंती आदि पिता माता को निकट केला कोनो एई समय रे बापा देवर्षि नारद तांको निकट रे प्रवेश होले काल दर्शि देवर्षि नारद डाकी देउछंती कले ए अंग दर्शन वर्षि पड़ जाऊ छ वर्षि जाऊ छ आज कण मन खुशी जाऊ छ हम राज्य को पिता माता को निर्देश हेले कन्या किए ना हेउछ अग्नि कनिका ना मु जेहेतु आज राक्षस कवल रे से पड़ीथिला मु ताको जेहेतु आज उद्धार करी छी से मते विवाह करिया पई कहउछी हेले मु बिना निर्देश रे विवाह होई पारिबी नाही पूरे पिता माता अछंती से जदि आदेश देबे ताले मु तो तांको विवाह करि पारिबी अंग दर्शन हाँ। आउ गोटे कथा मन रख तुम उपर को महाविपद मारी आसुची तुम्हारे देश तथा शपथ कर सात दिन मध्य ऋषि विश्वामित्र को तुम कटा मस्तक नहीं देवे गोटे उपाय अच्छी ना कौन से उपाय ना अच्छी वीरांगना पाद जीवन के बे रक्षा जे हेबो हेबो पोराण लक्ष्य करिए पलिते बरसी जदी तुमे रक्षा पाइबे पाउ चाउ छ हला हला ताहले तुम बड़ मा सेता ठाकुरानी को पाखरे जदी तुमे नेबो ताले विपद रु तुमे रक्षा पाइबो इतिकी कथा सोई सारिला परे अंगदसेन अग्नि कनिका आदि प्रत्यावर्तन करिछंती सीतांक पाखो अच्छा माता सीता ठाकुरानी को पाखरे जेते बेले प्रवेश होई जाइछंती एने आ गया जेते बेले आ गया सरी जाइछी एने आ गया माता सीता ठाकुरानी बगरे प्रवेश होई पाद तले पड़ी गले अंग दर्शन अग्नि कनिका तले मां रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो संभव नुहे अरे कौन सी पुआ पाखरे आज माँ शपथ कर सत्य सत्य कथा प्रकाश कर इतिकी कथा जते बेले कहि दिछि अंग दर्शन माता सीताकुरै सत्य कहिछन अच्छा अच्छा ना सत्य रे सागर रहिछि सत्य आकाश स्थित सत्य रे दाम्पत्य जीवन हुए जगते खात लक्ष्य करिए पलिते माता सीताकुरै सत्य करथि जो सत्य पाई चंद्र सूर्य आत जात हेउछंती जे सत्य पाई दिन राती हेउछि जे सत्य अबल रे आदि धरा पृष्ठ को धारण करथिले निज हस्त रे सेई सत्य को आख्या गे रखी अच्छा माजे सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहउछि हेला मा हेपो मो तो कथा रखी ताले मो दुख हेला ए मा जेतु सत्य कलु अच्छा मो तोरी पाखरे परिप्रकाश करूछि एक कथा की बस बड मापा सित शपथ करिसंती सात दिन मध्य रे मोर मस्तक नै आदि विश्वामित्रंकर पाद तले अर्पण करिवे हला हला हेले धन रे रक्षा करे मा काहे की धन मा काहे की मु किछ भूल करिनी नै ए मा मु किछ भूल काम करिनी ए झिया ए अग्नि कनिका आदि राक्षस कबल रे पड़ैथिला मु ताको उद्धार करिछि बस तेणु मिथ्या एक कथा गुरुदेव को कहिछिनी गुरुदेव आसी बेड़ बापा को सत्य करैछन बस जो अपहरण करि ले जाई छी हां किबे मो ताको अपहरण करिनी मा ना ना एति की कथा जेत बेले कहि देछंती हां हां एने आ गया हां हां जितले पचारि देछनी कहले ठीक अछि हैला अंगद सेन मां एक सामान्य कथा पई तू भय करू छु एई तू भय करे ना धन मां एई मां पखरे मार पड़त तळे हैला तू आसर लेबु हैला मां ओले बसाई देले जनम कसोता ओले बसाई देले जनम कसोता पाई बाप धन कर तो चिंता
परम वैष्णवी मातृ शक्ति जहा निकट रही बापा अपर पार्श्वरे सप्तम दिवस अंतिम हो जाइछि ना विश्वामित्र एवे करिले गमन राम राम बोलिए उठे डाक देले गुरुदेव कही एवे प्रणाम करिले राम गुरुदेव राम कहे रामचंद्र क्रोध शांत करंतु ना गुरुदेव मु आपन को हाथ जोडुची गुरुदेव आपन ते क्रोधानित होंतु नाही तू सत्यवध हे राम सात दिन मध्य रे कहितिने मस्तक आनी देबा पाई किंतु ए पजन तुमे देले नाही मु राखिले तुमरे ए अयोध्या कोन कोन करि पर जानिछ ना काली अयोध्या रे पूर्वाकाश रे भी नोही बेटी केबे उदय सत्य लंघन ऋषि विश्वामित्र गुरुदेव कथा रे राम ठाकुर कहले हे गुरुदेव वर्तमान आपण अपेक्षा करंतु जेते शीघ्र आपणक सम्मुख रे वर्तमान सर प्रयोग करछि आज्ञा पाई प्रभु करो सरोवर बोलाए सरोवर समस्त सर माता सीता ठाकुरानी कर द्वारा बंध तले नाश्रय नहीं गले भगवंत रामचंद्र आज चिंताग्रस्त हो गले प्रयोग करुचे जाउचे कुआडे ये ब्रह्म सर को जेते बेले बापा प्रयोग करिछंती ए बापा मातांकर वैष्णवी अस्त्र ये दुटी जाक सर आज्ञा एकत्रीकरण होई ना अग्नि वर्षण करिले आरे अग्नि वर्षण करिले सुने ब्रह्म शक्ति सुने ब्रह्म शक्ति संहार समय पिबा होइला धरित्री एकत्रीकरण आकाश मार्ग आज बापा अग्नि वर्षण कर अग्नि वर्षण स्वर्गमती पाताल तीन पुर को ध्वंस कर देवकूल आतंकित ये कथा देवर्षि नारद जेते जानी पारी छंती प्रभु निकटे वे मिलिले वाहना
প্রভু প্রভু বলিয়ে রে ডাকিলে তিদান অল্প সময় মধ্যে ন পাই যাব এই কথা এবে তো হো অসাজ হইব রক্ষা দেবে পণ্ডিতে যেতবে দেবর্ষী নারদ প্রভুঙ্কর নিকটরে প্রবেশ হয়ে যাই কলে হে প্রভু আপনার ফেরি আনছু ব্রহ্মাস্ত্র এ স্বর্গ মধ্য পাতাল তিনি পুরকু ধ্বংস করে দেব সংসার লোপ পাই দিব তুমি কহিবার অভিপ্রায় কোন মু বুঝি পারুনি কিছি কোটি উপায় আছে কে উপায় দেবর্ষি নারদ কোটি রাম ঠাকুর কলে হে প্রভু কোটি উপায় আছে গোটিয়ে মার্গ অছি যদি আপন মানে সমস্তে যাই আজ বিশ্বামিত্রঙ্কর আশ্রমের একত্রীকরণ হব তাহলে সেইটি সমাধান হয়ে পারিব সমস্তে একত্রীকরণ হয়েছন্তি নবেনি জান মুখ চাই নবেনি জান মুখ মর্যাদাবন্ত পুরুষ রামচন্দ্র কহিলে হে প্রভু আপনার গোটে কাম করতু পুনর্বার ব্রহ্মেশ্বর কু নির্দেশ দিও যে প্রকৃতরে যে দোষী হে ব্রহ্মেশ্বর যে প্রকৃতরে দোষী তুমি তার মস্তক ছেদন করিব দেবর্ষী নারদ যেতবেলে এতিকি কথা কই দেইছন্তি দেবর্ষীঙ্ক কথা অনুযায়ী না মর্যাদাবন্ত রাম ঠাকুর কলে হে ব্রহ্মেশ্বর না যাও ব্রহ্মাস্ত্র এবে আরে যাও পাপীকু সংহার ওর গর্জনে ছে দিলা অসুকন্ন তীর লক্ষ্য করিয়ে পণ্ডিতে যেতবে আপা ব্রহ্মেশ্বর কু পুনর্বার আদেশ দিয়েছন্তি রাম ঠাকুর পুনর্বার আজ ব্রহ্মেশ্বর যাই ই অঙ্গ দর্শনের মস্তক ছেদন করিয়া কথা অঙ্গ দর্শনের মস্তক ছেদন ন করি আজ অশ্বকর্ণর মস্তক যেতবে ছেদন করি দেইছি আশ্রমরে যেতে সমস্তে বসিলে সমস্ত আশ্চর্য হয়ে গলে
মানে প্রকৃত অপহরণ করছি অঙ্গদ সেন আরে অঙ্গদ সেন মরিয়া কথা অশোকনমলা আম গুরু ভাইটা কাহিকি মলা প্রকৃত কথা সত্য কথা কোন আম গুরু ভাইটা কিয়া মলা কালদর্শী দেবর্ষি কহিলে কহিলে হে গুরুদেব আপনার পালিত কন্যা অগ্নিকনিকা কু এ কথা পচার কলে মারে অগ্নিকনিকা অগ্নিকনিকা প্রকৃতর সত্য কথাটা কোন কহ কথা কিছু না ভাইর মোর সাঙ্গ হয়ে যাইছিল জঙ্গল কু ভাই মতো সাঙ্গে ডাকিলে কহিলে চালে তু পুষ্প তোলিবু মু কিছু চন্দন কাঠ নেইকি আসিবি আচ্ছা আমি সাঙ্গ হয়ে যাইছিলু মতে জঙ্গল ভিতর কু পুরা নেই গলি তারপরে মতে খারাপ কথা কইলে মু তাঙ্কু যেতে বারণ কইলি মু কইলি বাপা বাপা আসিলে আমাকে রাগিবে বাড়াইবে হিসাবরে আমি ভাই ভৌণী হবা সেমতি কিছু কথা কহানি মো কথা ন মানি মতে বলাৎকার করিয়া কো চাহুতিলে সেতিক বেলে মু চিৎকার করিয়ারু এ আসি মতে বঞ্চাইলে এটা হচ্ছে প্রকৃত সত্য কথা যেতলে অগ্নিকনিকা এ কথা গুরুদেবঙ্ক আগরে কহি দেইছন্তি বলে প্রকৃতরে সত্য কথা ইয়ে অশ্বকর্ণ মতে অপহরণ করুথিলা বা বলৎকার করুথিলা কিন্তু তা কবলরু মতে আজি এ অঙ্গদর্শন উদ্ধার করিছন্তি তেনু মু স্থির কলি যেহেতু মতে সে উদ্ধার করিছন্তি না মু তাকু বিবাহ করি মন প্রাণ জীবন সব অর্পণ করি সমস্তে আপা আনন্দিত হই যাইছন্তি বলে প্রকৃতরে জিয়ে দুসি সে মৃত্যুবরণ কলা কি নাই প্রকৃতরে দোষী হচ্ছে অশ্বকর্ণ দোষ কলা যেমিতি দণ্ড পাইলা সেমিতি কি নাই তেণু যেতেবেলে আপা এনে আজ্ঞা আনন্দ মনরে সমস্তে আনন্দিত হই খুশি হই আজি অঙ্গ দর্শন সহিত অগ্নিকনিকার গান্ধর্ব মতরে বিবাহর সম্পন্ন করুছন্তি দিন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে হুড়হুড়ি কলতাড়ি হেউ এ সংসার দুঃখ দূর হে ও রে